had told you that there was a political hand that was being suspected. समय भारत को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। ढूंढने बैठे तो हर तरफ मिला अंधेरा, जो रोशनी आई तो कातिल घर पर ही मिला। जी हाँ, ये कहावत आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पार्किंग विवाद के बाद उपजे आतंक के बाद जिस मंदिर को तोड़ा गया, उस मंदिर की तोड़फोड़ में एक बड़े नेता का नाम उभर कर सामने आ रहा है। आपको बता दें, वह नेता कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और केजरीवाल के करीबी इमरान हुसैन है। एक निजी चैनल की खबर की माने तो जिस वक्त मंदिर पर तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त उनकी भी भूमिका अहम थी। वहीं आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस भूमिका की कड़ी निंदा की है और मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।